यार ये तो एक ही बार में टूट गया। बिना स्प्राइट के कितना अच्छा लग रहा है। YouTube family, welcome back to my strawberry vlog। और गाइस आज ना जो हम बनाएंगे वाटरमेलन वाला जूस। और ये देखो मेरे पीछे इतने सारे तरबूज रखे हुए हैं। बच्चा पार्टी। तो ये शिवांश और भैया भी आए थे सुबह सुबह जाके, छह बजे गए थे सुबह सुबह, तो तरबूज लेके आए थे गर्मी में। तो आज बनाएंगे जूस और वो तरबूज के अंदर ही बनाएंगे। वो भी है ना बिकने वाले थे तरबूज, हम तो फटाफट से ले आए हैं। और काफी सारा है, देखो 16 बड़े जो जिसमें से, हाँ बड़ा वाला है ना गाइस, ये 16 तरबूज। और इनको यहाँ ठंड में रख रखा है, इन पे पानी का छिड़काव कर देंगे। ठंडी बोरी है ना, ये बोरी रखी हुई है यहाँ। 16 तरबूज है, ये टोटल 16 बड़े वाले में बनेगा। और दो या तीन तो खा लिए इनमें से, खा गए तो बड़े वाले में बनाएंगे। उसमें इसमें दोनों में, उसमें से हटा के फिर इसमें लगा दें। नहीं वो एक में डालते रहेंगे ना जूस को ना, ठंडा होता रहेगा। तो पहले तो एक बर्तन में बनाते रहेंगे, फिर इसके अंदर डाल, हाँ इसमें डाल देंगे, इसमें रख देंगे। और शेरा को बांध दिया है यहाँ पे, ये शेरा है। बहुत खतरनाक वाली गर्मी हो रही है, तुम सबको लगती है या नहीं गर्मी? गाइस हम तो एसी में रहते हैं, सबसे सबसे फर्स्ट क्लास तो कूलर है हमारे गांव का। गांव का जो कूलर है ना बहुत गजब है। एसी में तो धीरे धीरे वक्त लगता है ना ठंडा होते हैं, और उसको गर्मी लगती है ना इसलिए गीला हो जाता है, वो पैरों से गिरा लेता है उसमें से पानी को, नीचे नीचे गिरा के फैला लेता है। और मैंने ये जुगाड़ कर लिया, ये एक मटकी में लगा हुआ था, बड़ी वाली मटकी थी तो वो मटकी खराब हो गई, तो उसमें से मैंने ये नल हटा लिया। ये लगाएंगे तो अभी। और गाइस कल मैंने कुछ गेम के वीडियो, गेमिंग वीडियो बनाए थे मैंने, जिनमें इनको तीनों को खिलाया था। तो आज इसी ब्लॉग में, मैं कल नहीं डाल पाई थी वो, इसी ब्लॉग में गेम के वीडियो भी डालेंगे आप लोगों, तो इस ब्लॉग में मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा। हाँ साफ कर, साफ कर लिया, आज आ जाएगी क्या? तो सबसे पहले हम लेते हैं ये बड़ा वाला तरबूज, वो वाला लेता है ना, नहीं तो बड़ा वाला लेंगे, इसमें ज्यादा आएगा। हाँ मोटा लेंगे सबसे ज्यादा, पहले तो मैं इधर एक छेद करना पड़ेगा। तो यहाँ रख रखे हैं ये तरबूज, पिन से करेंगे, पिन से नहीं चाहिए। यहाँ ये बोरी है, इसको इतना बड़ा गड्ढा सा करना पड़ेगा अंदर, पहले धो ले, पहले धो लेते हैं। लो हाँ चलो गाइस, भारी हो रहा है, पहले इसको धोएंगे, पकड़ो गाइस, अभी धो के ला रहे हैं, लगुना पकड़ो गाइस, हमारी मटकी में से टूटी निकल गई। और गाइस देखिए खान से धो रहे हैं हम, इधर पानी है थोड़ा सा, थोड़े से पानी से ही धो लेते हैं अभी तो इसको ना बाहर। हाँ। से गाइस धुल रहा है तरबूज, पानी ज्यादा भी नहीं है तो इस वजह से, हाँ पानी वेस्टेज नहीं करेंगे। बुआ ऐसे वो वाले सेब के आ रहे थे तरबूज, वैसे ऐसे आता है ना वो, अम्मा लाई थी गाइस, देखिए धो लिया है, तो बाहर ही लेके आती हूँ सिस्टम है ना। हाँ अभी धो लिया है तरबूज को, बाल्टी के सामने रखा हुआ है देखिए। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं इसमें छेद, वहां तो लेने जा रहे है ना, तो इनके घर पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक जो वो ला रहा है। और देखिए हुआ गाइस टीका लगा के अलग हुआ है, हटो उधर बैठो उस साइड लो। हुआ गाइस अभी काटेंगे हम इसको, एक बार काट देते हैं। हुआ इधर एक कटोरा लिया, सबको ये तो कोई बात नहीं, इतना तो लेता है, कटोरा लिया इतना काट देते हैं ना, इतना काट देते हैं इसको, भाई अच्छा लग रहा है, मस्त लाल लाल।
लिया है ला। मम्मा ने पूछ के लाया बेटा। मम्मा फिर नाम बताना नहीं। थैंक यू योर लव। नाइस हो जाएगा। ये बढ़िया है आप। इससे ही मम्मी चार्ज करती है। ये बहुत पुराना है। घी निकल जाता है। चार्ज चुका है इलेक्ट्रिक का। होगी है माधो के घर पे था जो कि था वो इलेक्ट्रिक का चार्ज बनाने का। और उससे देखिए गाइस तरबूज के छेद कर दिया है। और देखिए चलो अभी अपन क्या अभी तो थोड़ा सा इसको इसमें से ये इसके निकालते हैं। ये कटोरा बना देंगे। हाँ इसमें से निकालते हुआ पूरा निकाल निकल चुका है इसकी। टोपी बढ़ गई। मेरे आई नहीं है इधर तो आई है। देख देख इधर तो वो ही हुआ होगा तो पूरा ही खत्म कर दिया। कटोरा बन गया। डाल देना जूस। और अभी हम लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक ग्राइंड मशीन। तो इसको तरबूज के अंदर है ना तो इसी को तरबूज के अंदर ही मिक्स करेंगे। बन गया ना। ओ जूस मर गया। बन रहा है। यार अभी और है इसमें एक मिनट हाथ से करना। दिल्ली कितना सारा करते हैं छोटा सा। तो बड़ा हो गया। और इसके अंदर से कर लिया हमने बिल्कुल सांस। नो छेद कर दो चाकू से। छेद करेंगे ना इससे। हाँ करो। इसकी नाप का कर। नाक नाप नीचे 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 होएगा अम्मा। मतलब इसकी साइज यहाँ। हाँ इधर घुसा। भाई 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 लाए मत। मुझे हो गए। तो अब इसमें बर्फ डाल डाल के जूस पियो। इसको फ्रिज में रख दें। चलो बेटा मेरे उधर बेटा फैल जाए। वॉक करना तो एक साइड लगाएंगे। हो गई जल्दी आइए। उस दिन तक और कितनी यहाँ जूस बना लिया है। और इसको छान लेते हैं इसमें। करो बहुत भारी हो गया। उसको दबाओ तो सही ना। होने पे और फिर इसको थोड़ा सा और निचोड़ लेंगे बिल्कुल। और इसमें ना सारा नमक भी डालेंगे है ना। नहीं हुआ। हाँ उसके बिना टेस्ट नहीं आएगा का ना। थोड़ी चीनी मिलाई। चीनी और काला नमक। हाँ और बर्फ। हाँ बर्फ। अरे इतना मस्त लगेगा पागल। बाजार वाला जूस लगेगा। इसमें मिलाएंगे अब हम थोड़ी सी चीनी और सेंधा नमक। और काला नमक। काला नमक अच्छा लगता है। स्वाद आता है। सेंधा नमक जिसका व्रत होता है ना उसमें डालते हैं। बर्फ नमक काला चीनी। वैसे गैस चीनी ना वो जूस है। अगर आप चीनी डाल के पियेंगे तो इतना फायदा नहीं करेगा। और बुरा चीनी चाशनी रहती है ना।
आपको बिल्कुल हेल्दी जूस पीना है अगर, तो आप ऐसे ही पिए ओरिजिनल। और अगर थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक, काला नमक तो वैसे अच्छा है, लेकिन चीनी फायदेमंद नहीं है, लेकिन हम डाल रहे हैं इसमें चीनी थोड़ी सी, थोड़ी सी चीनी डाल दी है इसमें, थोड़ी बर्फ। अरे यार लाल हो गए लो। हंस गए वो। हा थन्ना थन्ना गुड़िया बोलती है ना, थन्ना थन्ना ये पी गए हाँ पी रहे सच्ची में। अरे वो पी रहे देख ले, तो हमारे लड्डू पीते हैं पानी, पीते हैं कब जूस पीते हैं, जब पीते हैं मैंने नजर ना लगी। चलो हम भी पीते हैं। हाँ पकड़ लेना कहीं गिर जाए, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना। ओ क्या हो गया। और गाइस अब निकालेंगे हम लामा देखो। और गाइस ये निकालो पता लगा मैडम और भाई। और ये मम्मी भी आप पी के देख लो एक बार पहले कैसा बना है। फर्स्ट क्लास हाँ गाइस फर्स्ट क्लास एकदम गजब। भागुन्ना माधव मस्त ठंडा हो गया, चीनी हो गई गुन्ना मस्त। वाह वाह नमक ज्यादा हो गया। नमक ज्यादा है? हाँ बुआ नमक ज्यादा मेरे को भी लगा है। वो तुम वो काला नमक पीते नहीं हो ना इस वजह से। और मैं भी पी लेती हूँ ये। स्प्राइट का जैसे जैसे स्प्राइट डाल दो बेटा। नहीं बाबा नहीं चाहिए। क्या बनाया? अरे मत वेस्ट करे, नहीं पी रहे तो। और अब मैं पापा को दे देती हूँ। पापा हटना लो लो, देख सकते हैं हमने क्या किया है। तरबूज में टूटी लगा दी, तरबूज का जूस है बाबा। मजा आ गया बाबा, आप देखो 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 जुगाड़ देखो। मजा आ गया। नाइस तरबूज के अंदर बनाया हमने, टूटी वगैरह लगाई उसमें, फुल एक नंबर है। ऊपर अनबॉक्सिंग करेंगे, अभी हम चलते हैं ऊपर। ऐसा लग रहा है कोई टीवी पहुंचा रहा है। हम नहीं और कर रहे हैं ऐसी टीवी ना, गिर गया ना तो गन आ जाएगी। हां और गाइस टीवी पहुंच चुकी है, लीजिए साहब आप तेरे। तो गाइस हमने पांच साल हम रिहा है चुके हैं, पांच साल ऊपर, तो हम इसके साथ मस्ती नहीं कर रहे। मेरी बुआ का इंतजार कर रहा है, चलो फिर बुआ को देख के आते हैं, फिर अनबॉक्सिंग करें। हाँ आ गाइस बुआ को देख के आते हैं। एसी तो बंद कर दे, नहीं फिर आएंगे ना अपन। ठीक है बुआ को लगाया हो, चलो बुआ को हम बुलाने चलते हैं नीचे। चलो तरबूज रख दिया है, ठंडा हो जाएगा। चलो लग रहा है स्पॉन्ज आ रहा है, वाटर में बर्तन धोने का ऐसी लग रही है। आजा कौन इडली रियली में नहीं आता मेरे को मेकअप करना, सच में नहीं आता। गाइस वीडियो बना
बनाती है ना वो कब इतनी सुंदर बनती है। पर ये ना कुछ मेकअप नहीं करती, सिर्फ लिपस्टिक और लाइनर लगाया था उसमें भी। आंखों का मेकअप पसंद है मेरे को, और वही मेरे को आता है, एक तो आंखों के ऊपर लाइनर लगाना और एक काजल बस, इसके अलावा और एक लिपस्टिक लगाना। और लिपस्टिक में मेरे पहली बार मेरे जीवन में 24-25 साल बाद इतनी डार्क लिपस्टिक लगाई थी, नहीं मैंने कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाती क्योंकि पसंद भी नहीं है हमारे यहाँ, और क्योंकि और मुझे भी अच्छी नहीं लगती, लड़के सब करवाते हैं छुप छुप के आईब्रो बनवाएंगी शादी में, दाढ़ी कट दो यहाँ से दो। ये है शिवांश की गन, ये है, ये अब तक जितनी भी गन, ये अब तक जितनी भी गन मंगाई थी ये सबसे अच्छी वाली है ना शिवांश। और गाइस ये है हमारे शिवांश की गन आई है, MRF हाँ। NERF है, MRF है। और ये इसकी गन है, ऐसी गन ये काफी बार मंगवा चुका है और इसी कलर में मंगवा चुका है, लेकिन अब की बार कुछ डिफरेंट ये आए हैं इसके साथ। क्या ये बोतल जैसी है, इसमें ये दो बॉम्ब है और ये दो छोटी आई है, छोटी वाली गन है ना, ऐसी होती है और ये सबसे बड़ी है ना। और इसकी खुशी देखो चेहरे की, गुलाबी हो गया। तो अब एक एक चीज मैं निकालती हूँ आराम से, अब आप बैठ जाओ शांत। वो पहले छोटी वाली निकाल। इसकी खुशी मस्त दिखा दिया ना ये रहा। और ये है बैट्समैन, और गाइस इसको देख रहे हैं ये कैसे पागल हो जाता है भाई, देख सारे तो इसने रेवड़े को फैला दिया भाई, इसकी नजर वही है बॉल पे ही, देखना अब तू बॉल फेंक दे कि पागल हो जाएगा, देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, ओ भाई देख इसकी नजर, देख देख वो बोल गई है ना मैया, देख किस देख रहा है, हे भगवान ऐसा लगता है ये ऐसे बोल रहा है खोल मेरे को मैं लेके आऊंगा, खोल खोल मेरे को मैं लेके आऊंगा। अरे इसको भी फील्डर रख लो, फील्डिंग पे लगा लो तो बैटिंग करवानी पड़ेगी। गाइस ये देखो तरबूज है ना उनको ढक दिया है और बोरी को गीला कर दिया है, इससे ना खराब नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे इससे। ये देखो ये रख रखे है ना, और ये नारियल था तो इसका जो पानी है वो तो पी लिया, और इसके अंदर ये देखो शाइनिंग मार रही है ना, ये मलाई है तो इसको फोड़ लेते हैं और मलाई निकालते हैं। और गाइस ये देखो फोड़ लिया है इसको, और ये कितना मोटा है इसका ये यहाँ से, और ये है अंदर मलाई, ये रही देखो कैसे लाड़ किया जा रहा है। ओहो ओहो भाई ये क्या है, ठंडे मौसम में खेलना अभी तो नारियल, ये मलाई निकालेंगे ना इसकी, नाक भी बंद हो गई मेरी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, ये सब ना एलर्जी की वजह से हो रहा है, एलर्जी है मेरे तो छींक आ रही है, और यहाँ आंखों के नीचे यहाँ ये मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहा है, खुजली चलती है और स्वेलिंग आ जाती है, आंखों में सूज जाती है, आंखें मेरी खुजली चल के सूज जाती है आंखें, और आंसू भी आ रहे हैं, नाक बंद हो गई मेरी। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और इस ब्लॉग को करते हैं हम यही एंड, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, बाय।